हमारे अर्जुन बामनिया जी, आपके अपने लोकप्रिय विधायक भी है यहाँ के और हमारे राज्य मंत्री हैं ताजन भोगरा साहब, पूर्व सांसद नीर खुडनिया जी, रेशम मालविया जी, रमीला खड़िया जी, कांता भील, रमेश पंड्या जी, जनेन्द्र त्रिवेदी जी, नंदलाल जी नेनामा, विकेश मेहता, हर्षा यादव जी और तमाम उपस्थित भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, माता जी के इस प्रांगण में आप सबके दर्शन करके मुझे बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। जिस रूप में आप यहाँ आए हो सभी विधानसभा क्षेत्रों से, और मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको सविस्तार से जो कहा है, मैं भी ऐसा मानता हूं कि आप सबके आशीर्वाद से मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला और मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। गुड गवर्नेंस देने में, सुशासन देने में, हर क्षेत्र में हर वर्ग के लोगों को, चाहे वो आदिवासी हो, शेड्यूकास्ट के हो, चाहे वो ट्राइबल हो, कोई हो, मजदूर हो, ओबीसी के हो, युवा हो, छात्र हो, प्रयास किया सभी वर्गों का हित कैसे हो। महिलाओं का विशेष ध्यान रखा कि महंगाई की मार महिलाएं झेलती है, घर के अंदर महंगाई राज शिविर चल रहे हैं, ये भी पूरे देश के अंदर इसकी चर्चा हो रही है कि ये महंगाई राज शिविर का नया कंसेप्ट कैसे आया और उसमें योजनाएं हैं, उसकी चर्चा पूरी हो रही है। 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कहीं नहीं है जहां आप इलाज फ्री होना, ऑपरेशन फ्री, जांचें फ्री, दवाएं फ्री, ऐसा कहीं नहीं होता है। हमने एक और काम किया, राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार का कानून बना दिया हम लोगों ने। इस बात को समझने की कोशिश करो, कानून बनना का मतलब है कि अब ये स्कीम परमानेंट हो गई है 25 लाख वाली। अब 25 की 30 ही हो सकती है, 20 नहीं हो सकती है। ये काम इतना बड़ा हुआ कि मुझे आज मिले कैंपों में कोई 7 लाख का इलाज, कोई 5 लाख का इलाज। अभी जयपुर में कोई अंत्येष्टि में गया मैं, कोई जज साहब की वहां मुझे एक भाई मिला, 17 लाख का इलाज कैंसर का उसका एक नया पैसा खर्च नहीं हुआ। ये जो क्रांतिकारी काम हुआ है ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, सिर्फ राजस्थान के अंदर, और सबके लिए है। इसमें अमीर गरीब कोई भेदभाव नहीं किया, पूरे प्रदेशवासियों का बीमा है 25 लाख का। ये किया, उदाहरण दे रहा हूं आपको, दुर्घटना बीमा 10 लाख का, एक व्यक्ति का 5 लाख का, एक परिवार में अगर दो डेथ हो जाती है, भगवान करे कोई डेथ नहीं हो, दुर्घटना नहीं हो, होती 10,000 लोग मरते हैं प्रतिवर्ष, उनको कोई राहत मिले, 5 लाख का बीमा उसका भी किया। तो पूरे परिवार में कई बार दो डेथ हो जाती है, 10 लाख तक का मैंने भी बढ़ाया। तो कहने का मतलब कि जो कानून बनाया हम लोगों ने, स्वास्थ्य का कानून, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने बनाया, 4 कानून बनाए थे पार्लियामेंट के अंदर, 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल, एक कानून बन गया, पार्लियामेंट का कानून है ये। अरे राजस्थान में हमने 1 रुपये किलो गेहूं का लगा था पहले। शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार और मां नरेगा, नरेगा में बांसवाड़ा जिला जब स्कीम शुरू हुई थी पहले, तो राजस्थान के सिर्फ 6 जिले लिए गए थे, 6 ही, उसमें बांसवाड़ा भी था, महेंद्र मालविया जी जिला प्रमुख थे उस वक्त भी। आज भी सबसे अधिक अगर कोई रोजगार प्राप्त करता है कोई जिला राजस्थान में, आज भी उसका नाम है बांसवाड़ा जिला। 100 दिन की गारंटी है कानून से। मैंने अभी स्टेट के सरकारी, राज्य सरकार के खर्च पर 25 दिन और मैंने एक्स्ट्रा कर दिए उनके लिए, अब 125 दिन तक रोजगार मिलेगा।
जो नगर पालिका इलाका है वहां शहरी रोजगार योजना शुरू करी है, वही 125 दिन की करी है, वही बहुत बड़ी योजना है। शहर में जो गरीब रहते हैं बेचारे, उनके लिए भी कई तरह के काम उपलब्ध करा दिए गए हैं। 500 रुपये में गैस सिलेंडर, स्कीम तो प्रधानमंत्री की थी, मोदी जी की उज्ज्वला योजना, पर सिलेंडर 400 रुपये का बढ़ा के कर दिया 1140 रुपये कर दिया। इतना महंगा सिलेंडर खरीद नहीं सकते गरीब आदमी। तो मैंने घोषणा की थी कि मैं 500 रुपये में सिलेंडर दूंगा, देना शुरू कर दिया हम लोगों ने। अभी 4-5 दिन पहले मैंने बताया आपको, पूर्व वक्ता ने कि बटन दबाया मैंने जयपुर से, और 14 लाख महिलाओं को उनके खाते में एक साथ 2-3 मिनट के अंदर ही 60 करोड़ रुपये पहुंच गया, 2-3 मिनट में पहुंच गया। कहने का मतलब ये कि आज का DBT है, IT का जमाना है, आज का सब काम जो है ये नई जो मोबाइल आ गया है, इंटरनेट सेवाएं हैं, ये पूरी क्रांति है। पूरी दुनिया भर की खबरें उसके अंदर है, मोबाइल के अंदर। मैं महिलाओं को मोबाइल फोन भी देने का मैं तय कर रखा है, तो डिले हो रहा है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ या तो मोबाइल फोन या फिर उनको पूरे खाते में मैं पैसे डालूँ कि वो खुद खरीद सके। तो 1,35,00,000 जो महिलाएं हैं, मुखिया है वो, जो ये चेंज योजना की मुखिया है, जन आधार कार्ड की महिलाओं को मुखिया बनाया गया है, उन सबको हम लोग मोबाइल फोन स्मार्टफोन देंगे, 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री, 3 साल की। इस प्रकार से किया गया है, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। अधिकांश लोग आप यहाँ बैठे हो ना, उनके जीरो बिल आएगा बिजली का। किसान जो है उनके 2,000 यूनिट उनको फ्री कर दिए किसानों के लिए। एक पैकेट देने की सोच रहे हैं, दालें हो, शक्कर हो, उसके तेल हो। महंगाई के वक्त में गृहणियों को थोड़ी राहत मिले, महिलाओं को, ये भी हम प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार से काम देने योजना, गायों का, दो गायों का है, तो भैंस या गाय दो भी हो सकती है, प्रति परिवार में उनका बीमा करवा रहा हूँ। लगभग 3,000 करोड़ रुपये प्रीमियम आएगा, वो सरकार भरेगी आपके लिए। हर घर की 2 गायों का या भैंस का बीमा होगा राजस्थान के अंदर, काम धेनु योजना नाम रखा उसका। और जिनकी गाय मर गई है, लंपी रोग आया था अभी, बहुत बड़ा लंपी रोग आया ना, उनमें एक गाय का 40,000 रुपये में दे रहा हूँ, जिनकी गाय मर गई, 1,000 एक गाय का 40,000, वो 16 तारीख को मिल जाएगा। 16 तारीख को हम लोग बटन दबाएंगे, उन सबके खाते में पहुंच जाएगा पैसा जिनका नाम रजिस्टर्ड हो गया है, 40,000 में पहुंच जाएंगे एक एक के खाते के अंदर। इस प्रकार से कोशिश करिए कि महंगाई के अंदर आज लोगों को कैसे मिलेंगे। बाकी शिक्षा को लेकर हमने कॉलेज की झड़ी लगा दी है, 76 साल में कॉलेज खुली है 250 राजस्थान में, और मैंने अभी 5 साल में 300 कॉलेज खोल दिए, 300 कॉलेज। लड़कियों का विशेष ध्यान रख रहे हैं, 130 कॉलेज लड़कियों की है उसके अंदर, 130 कॉलेज। और ये भी मैंने कह दिया, जहाँ लड़कियों का पढ़ाओगे ज्यादा, या 500 लड़कियां हो जाएगी जहाँ स्कूल के अंदर, उस स्कूल को क्रमोन्नत करके कॉलेज बना दिया जाएगा स्कूल के। शिक्षा के बगैर जीवन अंधेरा है। अभी आपको बताया अर्जुन जी ने और अन्य साथियों ने, अभी मैं गया घाटोल के अंदर, घाटोल में था ना, 5 लड़की जो मिली थी इंग्लिश वाली का मिली थी घाटोल में, मैं देखता रह गया। जो लड़कियां बोल रही थी इंग्लिश के अंदर, मुझसे बात कर रही थी, मुझे इंग्लिश थोड़ी कम आती है, तो मैंने कहा भाई सुनो, मैं जब बच्चा था छात्र जीवन में,
तो मैं इंग्लिश के खिलाफ था, इंग्लिश क्या काम आएगी। दक्षिण के राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, वो हिंदी के खिलाफ थे, आज भी हिंदी के खिलाफ वो है। बोर्ड को हिंदी को होते तो गिरा देते थे, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के अंदर इंग्लिश का बोर्ड होता हटा देते थे हम लोग। वो जमाना था बचपन में, तो इंग्लिश टूटी फूटी बोल के काम चलाते हैं, और इंग्लिश कोई बोलता है तो टूटी फूटी समझ लेते ही आता है। वो लड़के तो पढ़े कर रही है, क्या इंग्लिश फराटे वाली बोल रही थी। तो मुझे बड़े गर्व हुआ, मैंने कहा देखो जमाना बदल गया, अब हम चाहते हमने 2000 स्कूल खोली अभी इंग्लिश की, महात्मा गांधी के नाम। इतनी भीड़ पड़ रही है वहां पर, लॉटरी खोलनी पड़ रही है एडमिशन के लिए। 3 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं उसके, 3 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, फीस जीरो, जीरो फीस। प्राइवेट स्कूल में जाओ आप इंग्लिश में, वो बच्चे बता रही थी 35,000 रुपये लगते हैं मार्शाला के अंदर, जयपुर में लगते हैं 50,000, 1 लाख लगते हैं जयपुर के अंदर इंग्लिश स्कूल पढ़ने के लिए। इंग्लिश पढ़ने के लिए सरकार फ्री पढ़वा रही है, और स्कूल हम खोलेंगे। तो इस प्रकार से 10 साल के बाद में आप देखेंगे राजस्थान में हमारे बच्चे राजस्थान के टॉप करेंगे देश में, दुनिया के अंदर। क्योंकि गांव का बच्चा इंग्लिश पढ़ लेगा, बम्बई जाओ, लंदन जाओ, अमेरिका जाओ, कहीं जाएगा, दिल्ली जाएगा तो फराटे वाली इंग्लिश बोलेगा। अधिकारी सब इंग्लिश बोलते हैं दिल्ली में, मुंबई में, तो वो भी कम नहीं बोलेगा, शानदार इंग्लिश बोलेगा। अभी हम 500 बच्चों को मैं विदेश भेज रहा हूँ। मैंने सुना है 500 की बच्ची विदेश गई थी पिछली बार, बागुरा की लड़की वहां गई अमेरिका पढ़ने के लिए, उनकी नौकरी लगी वहां पर। अब आप बताइए, अब मैं 500 बच्चों को, सुनिए आप, मैं इसलिए आप सुना रहा हूँ आपको, आपके बच्चे क्यों नहीं जाए विदेश, पूरा खर्चा सरकार दे रही है आने जाने का, आने जाने का, रहने का, खाने का, पीने का, फीस का। वो पैसे वाले हैं तभी उनकी हम लोग इमदाद करते हैं, फीस हम दे देते, मान लो किराया हम दे देते हैं, पर जो जिनको जरूरत है पैसे की उनको पूरा पैसा सरकार दे रही है। 500 बच्चे क्यों भेज रहे हैं, मैं उदाहरण देता हूं डॉक्टर अम्बेडकर का। अम्बेडकर जब बचपन में बच्चे थे, भीमराव अम्बेडकर, तो गांव के स्कूल में छुआछूत भी होती थी उनके साथ में, आपने पढ़ा होगा, पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, पढ़ा होगा। वैसी स्थिति में उसको मुझे मान देख लिया, मैंने तेरी फोटो में लूंगा अभी, ठीक है ना। तो बचपन में उनको बड़ौदा के महाराजा ने उनको भेजा विदेश। सुनिए आप, वो अंबेडकर एक साधारण छात्र था, इंग्लैंड जाकर के वो पढ़ के आया, संविधान का विशेषज्ञ बन गया, संविधान निर्माता बन गया, कानून मंत्री बन गया देश का। आज दुनिया में डॉक्टर अंबेडकर के नाम है, संविधान निर्माता के रूप में, है कि नहीं है। तो 500 बच्चे जाएंगे हमारे यहाँ के, वो 500 बच्चे जाके जब वापस आएंगे पढ़ के अमेरिका में, इंग्लैंड में कहीं जाओ, मतलब हमारी हिस्ट्री वो है, जाए दुनिया में किसी मुल्क में जाओ, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, कहीं जाओ उनकी मर्जी है, जहाँ उनका एडमिशन हो, जब वो आएगा पढ़ के, तो उनमें से जो है आप कल्पना कीजिए, कोई साइंटिस्ट बन के आएगा, कोई टेक्नोक्रेट बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई कुछ भी बन सकता है। वो राजस्थान का बच्चा जो है जिंदगी भर सेवा करेगा किसकी, देश की सेवा करेगा, प्रदेश की सेवा करेगा, मानव संसाधन के रूप में उसका व्यक्तित्व कर्तित्व बहुत बड़ा हो जाएगा। नाम किसका होगा, राजस्थान का नौजवान, राजस्थान का जो नागरिक है वो देश की सेवा कर रहा है। उनमें नहीं पैदा होंगे राजनीति में आने वाले भी, उद्योगपति भी, व्यापारी भी, वकील भी, ये हमारी सोच है। उस प्रकार हम भेज रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर बच्चों को भेज रहे हैं। अनुपति योजना है, आप मेरे कोई पता नहीं भाग लिया कि नहीं लिया है, 30,000 बच्चों को अपन कोचिंग करवा रहे हैं, पूरी फीस देती है सरकार देती है 30,000 बच्चों की।
आप मेरे को है जो जाने अनुपति योजना के बारे में हाथ खड़ा कर रहे हैं? एक दो बहुत कम है ना, मतलब तीन चार पांच छह सात कोई बात नहीं, मेरा मतलब और भी है पांच छह लोग पीछे। मेरा मतलब अनुपति योजना पूरी फीस सरकार दे रही है, कोचिंग करवा रही है, पैसे वाले कोचिंग करते हैं, गरीब आदमी कोचिंग नहीं कर सकता, तो पैसे वाला तो बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, आईआईटी बन जाता है, चला जाता है, गरीब का जाए है, उसका खर्चा हम दे रहे हैं, तुम पढ़ाई करो कोचिंग तुम भी करो, बराबरी बराबरी के बनो तुम भी। तो ये जो है अनुपति को 30,000 स्कूटी दे रहे हैं हम लोग कालीबाई भील के नाम से, 30,000 स्कूटी मिल रही है, बच्चों को मिल रही है, लड़कियों को मिल रही है, और सोशल वेलफेयर जो डिपार्टमेंट वो निस्तक जनों को दे रही है स्कूटी, और मैं राजा देखा मैंने स्कूटी मिल रही है, जो निस्तक जन है दिव्यांग उनको मिल रही है। तो सोशल सिक्योरिटी भी हमारा थीम है, 1 करोड़ लोगों को अपनी पेंशन दे रहे हैं अपन, 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं, पहले 500 थी 750 थी, अभी मैंने घोषणा कर दी है सबको कम से कम 1,000 रुपये पेंशन मिलेगी जून से, इस महीने से ही 1,000 रुपये मिलेगी उनको, मेरे पेंशन मिलेगी। ज्यादा उम्र के लोग हैं उन थोड़ी ज्यादा मिलती है उनको, कहने का मतलब ये सोशल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। आजकल मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कहा है आप कानून पास करो, जो 4 कानून बनाए मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया जी ने, 1 कानून आप बनाओ, राइट टू सोशल सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या है, जो मजदूर काम करता है, मजदूर बुढ़ापे के अंदर उसका सही साथ नहीं देता, काम नहीं कर सकता, 55 साल 60 साल के बाद में मजदूर मजदूरी नहीं कर सकता है, पत्ता नहीं उठा सकता, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है ना खाली मशीन से नहीं बनती है, मजदूर भी लगता है। बुढ़ापे में वो जो मजदूर जो है काम नहीं कर सकता, सही लायक नहीं रहता है, तब ऐसी स्थिति बनती है, घर में हो सकता है बेटे पोते नहीं हो, फिर तो लायक नहीं है उसकी सेवा कर सके, परिवार चला सके उसकी पत्नी का, तो उसमें क्या करे वो आदमी, कितना तकलीफ आता है, 1,500 रुपये हम देते हैं उनको, क्या मतलब। कानून पास हो देश के अंदर, जिसमें पूरे कानून के अंतर्गत जो दुनिया के मुल्कों में है, हर आवश्यकता के अनुसार हर परिवार को पैसा मिलता है। हम बात करते विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, कैसे बनोगे, आप घर तो संभालो, पहले घर तो संभालो, घर संभालो, पहले गरीबों की सेवा करो, एक आदमी भूखा नहीं सोए। कोरोना के अंदर आपने बहुत अच्छा काम किया, पब्लिक ने, धर्म गुरु ने अच्छा काम किया, एनजीओ ने अच्छा काम किया, राजनीतिक पार्टी कार्यक्रम ने अच्छा काम किया, मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मुझे कहते घर है, एक तरफ तो हमने इलाज शानदार किया, दवाएं फ्री, अच्छा इलाज हुआ, ऑक्सीजन किसी को नहीं मरने दिया हमने राजस्थान के अंदर, जबकि अहमदाबाद में, बम्बई में, दिल्ली में कितने लोग मरे ऑक्सीजन से। तो आप सोच सकते हो कि अगर हमारी ये सोच है कि भूखा कोई नहीं सोए, तो किसी को भूखा नहीं सोने दिया आप लोगों ने, एक दूसरे की मदद करी उस वक्त में, सबने सेवा करी, सबने सेवा करी एक दूसरे के लिए, तो सब घरों बंद थे, और मैंने कलेक्टर को कहकर के 32 या 35 लाख लोग ढूंढवाया, जो लोग सड़क पे से जाते हैं, बस स्टैंड में से जाते हैं, रेलवे स्टेशन में से जाते हैं, रेलवे स्टेशन में रहते जाके रात को, या ऐसे भी ठेले वाले थे, और ठेले वाले जब चलता ठेला तब तो कमाता वो, जब पब्लिक खुद ही बंद हो गई घरों के अंदर तो उनका खरीदारी कौन करे, उनको ढूंढवाया मैंने 32 लाख लोगों, मैंने 1 बार 1,500 रुपये और 4 बार 1,000 रुपये मैंने भेजे उनके घर पे, 5,500 भेजे कलाकारों भेजे मैंने, 5,000 रुपये जो गाना बजाने वाले होते हैं गांव में, गाना बजाना कौन सुने, घरों में बंद पड़े हैं, उनको मैंने भेजे पैसे 5,000 रुपये, काम चल गया उनका। कहने का मतलब हम सब मिलकर ही तो सेवा कर सकते हैं देश की, प्रदेश की। इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, आप हमारे कार्यकर्ता हो, और कार्यकर्ताओं तो मुझे गर्व है, क्योंकि मैं बचपन से एनएसयू का अध्यक्ष था, तब से मैं यहाँ बांसवाड़ा डूंगर पर आया हूँ, जब इतना बड़ा शहर नहीं था आपका, ये हर दिन मुख्यमंत्री थे,
तो 74 के अंदर मैं खुद बच्चा था तब 22 साल के था। मैं पहली बार हिम्मत करके मैं बस में बैठ करके डूंगरपुर गया, वहां से मैं बासठ तक आया हूँ। मुख्यमंत्री में यहाँ गेस्ट हाउस में मिला भी उनसे हूँ, समझा आप। तो मैं पूरी बचपन से ही राजनीति में काम करते करते मेरा लगाव जो है पूरा मेवाड़ से भी रहा है, आदिवासियों से रहा है। तब मैं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा कितनी बार आया हूँगा, मैं 3 बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन गया, तो मैं कितनी बार आया हूँगा कुछ सोच नहीं सकता। केंद्रीय मंत्री बन गया इंदिरा गांधी साथ में भी, तो मैं 3 बार आया। कहने का मतलब कि आपका मेवाड़ का अपना एक अलग औरा भी है। माइकला वर्मा जैसे फ्रीडम फाइटर भी हुए, भोगीलाल पंड्या, गोविंद शंकर उपाध्याय, प्रदीप जोशी जी, आपके अपने भीखा भाई भील, इतिहास बहुत ही आपका मजबूत है मेवाड़ का, इस बागर का। या आपका मानगढ़ की पहाड़ियों पर कितने लोग शहीद हुए बताइए आप, गोविंद गुरु के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री जी आए थे, मैं भी आया था वहां पर। मुझे उम्मीद थी कि ये घोषणा कर देंगे आज राष्ट्रीय स्मारक बनाने की, पता नहीं उनका क्यों मूड खराब हो गया। वो घोषणा करते करते ही वो घोषणा गोलमाल कर दी उन्होंने, पूरी तैयारी कर ली थी उन्होंने। हमारे चीफ सेक्रेटरी बात भी कर ली, खुद ने बात करी, तैयारी कितनी जमीन चाहिए, क्या होगा, कितनी जमीन देंगे, सब काम हो गया, पूरा कर लिया। इसलिए मैं आया था कि भाई मैं भी जाऊंगा, क्योंकि सरकारी प्रोग्राम था, आना था मुझे। पता नहीं क्या हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की टिप्पणी बैठो चर्चाएं करो, और वो मानगढ़ी पहाड़ी स्मारक होने रह गई। आज मैंने घोषणा कर दी आपके घाटोल में, या मैंने हेल्प कर दी होगी वहां प्रतापगढ़, याद नहीं मुझे। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी आप जल्दी घोषणा करो मानगढ़ी पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की, जलियांवाला बाग की तरह। अगर आप नहीं करते हो तो आप मुझे मना कर दो, मैं नहीं करूंगा। मैं करूंगा राजस्थान की मानगढ़ पहाड़ियों को, हम बनाएंगे। अगर हम लोग गणेश धाम में 125 करोड़ दिए मैंने वहां ब्रिज बनाने के लिए, और ब्रिज बन रहा वहां पे, मालूम है आपको, आराम हो जाएगा। 100 करोड़ दिए उसके विकास के लिए, गणेश धाम के विकास के लिए 100 करोड़, और 125 करोड़ दिए है और ब्रिज बनाने के लिए, बन रहा और ब्रिज, नदी आवे तो तकलीफ नहीं हो लोग, ठीक है ना। अच्छा 2300 करोड़ रुपये कल हमारे शिलान्यास में कर रहा हूँ, कल हाई लेवल कैनाल बन रही है 2300 करोड़ की, 2300 करोड़ की, 2300 करोड़ की, बाकी डोरा कुछ कर सबको फायदा मिलेगा। 125 करोड़ की बांसवाड़ा विधानसभा में लिफ्ट योजना बनेगी आपके, अर्जुन बामनिया जी ठीक बोल रहा हूँ मैं, आप कहाँ देख नंबर कर जाएंगे आपके। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं आप भी कहीं पता नहीं कहाँ देख रहे हो। और 1200 करोड़ की पीपल फूड योजना, कैनाल घाटोल दरियावत तक जाके फायदा मिलेगा उसका, पीपल फूड का। तो आप बताइए मैं अगर इतने 2000, 3000, 3500, 4000 इतना मैं खर्च कर सकता हूं, तो मानगढ़ की धाम में मैं क्यों नहीं कर सकता हूं बनाने के लिए। और तो और बिना मांगे हुए संभाग बना दिया आपके बांसवाड़ा को, बिना मांगे हुए संभाग बनाए। किसे कहते हैं संभाग, कौन कौन से हैं? जयपुर राजधानी, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, ये संभाग है। बताओ अब कौन सा हो गया, बांसवाड़ा संभाग है उसके लिए, पाली संभाग है। आप बता दीजिए
एक आदिवासी क्षेत्र में संभाग बनना बड़ी बात लगता है। यहाँ कमीशन बैठेगा, बड़े अधिकारी बैठेंगे, बड़े अधिकारी बैठेंगे, बड़े बड़े ऑफिस खोलेंगे आप, और मांगनी यूजनी पड़ेगी अस्पताल की, सीटें बढ़ाओ, बेड बढ़ाओ, सीएससी की पीएससी सीएससी करनी है, सब काम सत्य होने लग जाएंगे आपके। इस प्रकार से जो है जो फैसले हुए वो आपके सामने हैं। एक फिक्र संभाग बन गया है, बांसवाड़ा शहर में 15 करोड़ इलाके से टाउन हॉल बन रहा है, शानदार टाउन हॉल बनना बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ कल्चर प्रोग्राम है, मीटिंग करनी है, फिर शोभा बढ़ती है, और जो संभाग बन गया तो टाउन हॉल बनना ही है फिर तो शानदार। मेडिकल कॉलेज खुल रही है, आपके यहाँ खुल गई है। हाँ, मेरा सपना अधूरा रह गया रतलाम से बांसवाड़ा डूंगरपुर, वो सपने कभी पूरा करेंगे, वो सपना भी कभी पूरा करेंगे। चंद्रशेखर से लड़के लेंगे, 200-250 करोड़ तो हमने दे दिए उनको, हमारे पहले पता नहीं वो डूब गए कहाँ गए, पता ही नहीं गया। तो ये बहुत बड़ा सपना है कि बांसवाड़ा जुड़े, रेल लाइन से जुड़े, हिंदुस्तान बड़े जुड़ जाएगा। और एक बिजली का लगाना था मुझे यहाँ पर, वो उसके साथ लिंक था, ब्रॉड गेज के साथ लिंक था, वो भी नहीं लग पाए बाद में। सरकार बदलने का नुकसान ही होता है, अगर सरकार नहीं बदलती हमारी उस वक्त में, हो सकता है इन योजनाओं को मैं बंद नहीं होने देता। बहुत नुकसान हुआ, मैं आपका ये बंद हो गया, बिजली का बंद हो गया, रिफाइनरी जोधपुर की वहाँ पचपचा की बाड़मेर की, अब अभी 38-40 हजार करोड़ की योजना थी, 5 साल बंद रखी, अब उसकी कीमत बढ़ गई, 72 हजार करोड़ हो गई, मतलब 32 हजार करोड़ ज्यादा लगेंगे अब बनने में। पिछली सरकार जो आई थी ना, उसने कई काम बंद कर दिए, मैं काम उनके बंद नहीं करता हूँ, चाहे वसुंधरा राजे कोई काम शुरू करे तो आगे बढ़ाना चाहिए उनको, क्योंकि पब्लिक क्यों सफर करे। एक जीआरसीपी की योजना है पानी की, पीने की, तेरा जिले की है, मैंने उसको बंद नहीं किया, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ उसको, और प्रधानमंत्री उसकी राशि परियोजना घोषित नहीं कर रहे हैं। अरे हमने कहा 25 MP जिता दे राजस्थान आपको, मंत्री आगे पानी वाला राजस्थान का है, अगर ये सब मिलके जाके लड़े प्रधानमंत्री कहे कि 16 योजनाएं परियोजनाएं देश में चल रही है, राष्ट्रीय परियोजनाएं, क्या एक योजना आप राजस्थान की नहीं कर सकते हो? वादा करके गए अजमेर में, जयपुर में, पीएम पिछले चुनाव में, उसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो लड़ाई मेरी तो यहां मैं मौका लगता चुकता नहीं हूं, बोलने के अंदर, मांग करने के अंदर, तो मेरा धर्म कहता है, मेरा फर्ज कहता है, मैं जहां बैठा हूं आपने मुझे बैठाया है, राजस्थान हितों के लिए मैं संघर्ष करूं, केंद्र सरकार के भाषा के बात करूं। इसलिए मैं आपको कार्यकर्ताओं का आह्वान करूंगा, ये जो कैंप चल रहे हैं 20-30 तक चलेंगे कैंप, आपको मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि एक परिवार छूटे देश में। देखो एक एक्सीडेंट हुआ, अभी 3 बच्चे मर गए, एक बच्चे का परिवार था, उसका तो कार्ड बना हुआ था चिरंजीवी योजना का, दुर्घटना का, उनको 5 लाख मिल गए। दूसरे बच्चे थे, उनके परिवार का कार्ड नहीं बना हुआ था, लापरवाही के अंदर, लोग लापरवाही बना देंगे कार्ड क्या काम आएगा, अनपढ़ भी होते कई लोग, वो बहुत नुकसान करता है, उनको 5 लाख नहीं मिले, इतना बड़ा फर्क पड़ता है। तो कार्ड तो बनवाना, आपको फ्री में कार्ड बन रहे हैं, आपके तो फ्री में कार्ड बन रहे हैं, कुछ नहीं करना है, IPA बटन दबाते मालूम पड़ता भाई आपको 4 कार्ड मिलेगा, 5 कार्ड मिलेगा, 6 कार्ड मिले, कितने मिलेंगे, 9 कार्ड मिले लोगों को वहां पर कैंपों के, 9 कार्ड मिले 10 में से। तो मैं आपसे अपील करूंगा, आप पहले कई लोग बताओ हाथ खड़ा करो, किसने अभी तक कार्ड नहीं बनवाया बताइए, सबने बनवा लिए, कमाल है, वेरी गुड, यही मैं चाहता हूं, 10 में से 10 नंबर दे दिए मैंने आपको। अब मैं अंत में मैं आपसे अपील करूंगा, एक तो जो लोग गरीब हैं गांव में, ढाणी में, दूर दूर इलाके में रहते हैं आप लोग, उनको आप जो इतला करो जाके कार्ड बनवाए वहां पर,
कैंपों के अंदर, ठीक है। दूसरा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, कार्यकर्ताओं ने सरकार बनती है, देखो कितनी अच्छी स्कीम हम लेके आ जाएं, कितनी अच्छी सरकार बना दें। जनता उम्मीद करती है हमसे वोट मांगे, हमारा मान सम्मान बढ़े। ये लोकतंत्र जो है ना, इसको जो आज बीजेपी आरएसएस वाले इसमें सम्मान देना नहीं समझ सकते, वो ये सम्मान देना नहीं जानते हैं। ये गांधी जी के वक्त में ये लोकतंत्र कायम हुआ है, संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया, संविधान का प्रावधान किया उसके अंदर। क्यों किया है? गरीब से गरीब आदमी है वो एक वोट का मालिक, वो भी है एक वोट का मालिक है, तो उसका मान सम्मान कायम रहेगा। जिसके पास एक वोट का धनी है वो, तो हम एमएलए बन जाओ, एमपी बन जाओ, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कोई बन जाओ, या सरपंच गांव का बन जाए, वोट मांगने का जाना पड़ता है, गरीब के पास जाना पड़ता है, वोट बराबर मालिक है, अमीर गरीब एक एक वोट का मालिक है। जाते वोट मांगते हैं, झुक के प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, कर्म हाथ भी लगाते हैं, उस गरीब का सम्मान बढ़ता है, चाहे वो आदिवासी है, चाहे वो दलित है, चाहे वो ओबीसी है, कोई भी है, उस सम्मान बढ़ता है। वो सम्मान लोकतंत्र की आत्मा है, उस सम्मान को कायम रखने की जिम्मेदारी हमारी है कि किस प्रकार हम जाके कार्यकर्ता अपनी भूमिका निभाएं। कार्यकर्ताओं की शिकायत भी होती है, कोई पद नहीं मिला कभी, कभी कोई कारण हो गया, एमएलए साहब ने पूछा नहीं, ये शिकायतें देखो हिंदुस्तान भर में होती है। इस बार ज़्यादा हो गई क्योंकि इस बार कोरोना आ गया, फिर कई बातें घटनाएं हो गई, दुर्घटनाएं भी हो गई, इसलिए कई कारण हो गए, तो हम लोग भी ध्यान पूरा दे नहीं पाए। तो आप निश्चिंत रहो, इस बार सरकार बनाओ, पूरा ध्यान रखेंगे कार्यकर्ताओं का, ये मैं कह सकता हूँ, पूरा ध्यान रखेंगे। सरकार अगली सरकार कार्यकर्ता बेस्ट सरकार बनेगी, ये मैं कह सकता हूँ आपको। यही बात करता हूँ, मेरे पास खुशी है कि आप लोग पधारे हो, कार्यकर्ताओं में जोश है आपके, और पांचों सीटें जो आपकी है, अगर सरकार बनानी है आपको इस बार वापिस, जो लोकतंत्र बनेगी इस बार, लोग मुंह से निकल रहा है, भावना निकल रही है, मैं भी देखता हूँ, जाता हूँ कि लोगों की भावना है, इस बार लगता है, मुझे भी लगता है इस बार सरकार वापस रिपीट करेंगे लोग, ऐसा लगता है, ठीक है क्या? आप बताओ लगता कि लगता है? ये लगता है, तो तब होगा, तब कार्यकर्ता अपनी भूमिका अदा करेगा, पांचों सीटें जीता के लाएगा, तो सरकार बनेगी हमारी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग चले स्वीकार करेंगे, देश में शांति, प्यार, मोहब्बत रहे, महंगाई, बेरोजगारी के ऊपर हम काम करें। करीब 3 लाख लोगों में नौकरी दे रहा हूँ, 1.5 लाख की नौकरी लग चुकी है, बाकी लोगों की नौकरी लग रही है, इंटरव्यू हो रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं, कोई कमी नहीं रख रहे हम लोग। 1 लाख किलोमीटर सड़कें बन रही राजस्थान में, 1 लाख किलोमीटर, उसमें 56,000 किलोमीटर बन चुकी है, बाकी बन रही सड़कें, कोई कमी नहीं, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, सिंचाई और सोशल सिक्योरिटी में पेंशन, सब काम हम कर रहे हैं। सरकार प्रयास किया गया कि इस प्रकार फैसले किए हैं, इस बार हमारे फैसलों की चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही है, ये मैं कह सकता हूँ। यही बात कहता हुआ अर्जुन मामानी जी आपके अपने हैं, मैंने मालवा जी के तैयारी करने के लिए कहने के प्रोग्राम के लिए, तो आप निश्चिंत रहो, हम सब मिलकर के आने वाले वक्त के अंदर जो संभव होगा उसे अधिक करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद आपका।